लोग हीरो है इस मूवी के, ठीक? नहीं एक्चुअली बात क्या, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई तो जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द क्रिएटिव साइड एंड देन कमिंग बैक टू द एक्टर्स, फिर एक्टर्स के ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है, जैसे डायरेक्टर्स मुझ पर मेहनत करते थे तो उसमें काफ़ी एनर्जी निकल जाती है, बट मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे हैं वो निकल कर आ रहा है लाइक एन आर्टिस्ट, लाइक अ पेंटर, जो भी कहें हम इसे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई फिल्म बिकॉज जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था वो मुझसे शायद बन गया है, शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ लेकिन बन गया है एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता। सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में। हाँ नहीं, बदली नहीं जा रही है, वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ, दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट, लेकिन देन अगेन यू नो क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूँ अच्छी तरह से, एंजॉय करूँगा फिर उसे रिलीज़ करूँ। मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूँगा कि तरह से करके डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, राइट? आई थिंक एवरीबडीज फेवरेट डायलॉग एंड स्पेशली सनी सर, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। As you can see from the poster, उस 2.5 किलो के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it, we were in love with it. Sunny sir, over here, towards first of all, congratulations, the trailer looks excellent. Sir, my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betaab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और that's उसी तरह से मैं, उसी reason से मैं director बना इस फिल्म में वापस, and definitely action is very important, and आज मैं देख रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो, सो वो सब बहुत हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा। और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं। Everybody is trying to be louder and louder. तो इसीलिए मुझे then I hunted around और मुझे Dan Bradley अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने की है, जब उनके साथ काम किया, it was a great pleasure because he is genuinely really a creative guy, and इस फिल्म में because of him and because of our concept together we've been able to bring out reality as much as possible. And so, you know, since this is in a realistic space, will there be a music? What sort of music will be there in this film? I've got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो picturized किया बच्चों के ऊपर, because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it will relate to us also, because हम भी बच्चे एक दफा थे. So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, but as time goes by मैं पोस्ट करूँगा, then we'll have a thing for that also, because like I said, अभी आप मेरी टीम है तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले, दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँ, एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे। सनी जी ऑन योर सेंटर, सनी जी ऑन योर सेंटर, Congratulations for the trailer. Trailer looks awesome. My question to you is, sir, you have faced many difficulties while making this film and while scripting the film. What was the one thing that kept you, you have to make the Ghayaal Once Again, a sequel of Ghayaal? What was the one spirit that you want to name it or you want to define it? I think that's something what I am basically. मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं I don't stop. So that is something which अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम लेकिन that's something which I have. Okay, youngsters के साथ आपने इनके साथ काम किया है, debutants के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के days आपको याद आते थे जब आप इनके साथ shoot करते थे या इनको direct करते थे? हाँ, definitely because I've इसमें मैंने जो characters बच्चों के लिए हैं because मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो because आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ everything is black and white और black and white means lots of Arjuns. So that's what I was looking for बच्चों के बीच में and that's how I have these 4 kids with me. Sunny here, Lipika. How are you? I'm fine, Lipika. Yeah. Were you a strict director or a lenient director? हल्ला पांडे से तुसी? हल्ला हुला तो मैंने पता नहीं because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but उससे क्या हो जाता है काम खराब हो जाता है. So I was very patient. That's what I've understood doing films is to be as patient because then दिमाग कहीं और चला जाता है और जो चीज़ करने जा रहे हो वो भूल जाता है आदमी. So I'm sure the kids will also agree with that. He's very obviously. Obviously. He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. That's it. Sir is very calm. Like what you see on screen वैसे नहीं है वो. अच्छा Sunny. Okay. Sunny जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. I think Ghayaal Once Again के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ पर आज नहीं. फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी. लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं. शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों डायलॉग कैसे हैं जो पहले वाली फिल्म थी उसकी डायलॉग? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट वाज पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25-27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर. तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ हिज फैमिली और चीज़ें इससे बिछड़ रही हैं. अब मैंने लिया है कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा. सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली मैंने पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं और जो हम हैं आज और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा. चारों ही बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे. कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो क्योंकि सनी देओल की आवाज ही काफी होती है? नहीं, आप as somebody said कि सर बिल्कुल opposite है. He is very calm and he is very patient. But I agree with you. Directors sometimes tend to lose their cool. But सर को पता था that अगर मुझे बच्चों के साथ काम करना है I will have to have patience and there's never been any ruckus or any hush-hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he